स्वागत आप सबका वुमेन्स प्रीमियर लीग के मैच नंबर 9 के अंदर। मुकाबला यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में जो खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई पे। मैच टाइमिंग है शाम के 7:30 बजे। तो फिर से आपको यहाँ पे हाईली थ्रिलिंग मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ यहाँ पे मैग लर्निंग कैप्टनसी करती है, सामने पे स्नेह राणा होंगी। एक तरफ आपको यहाँ पे स्पिन ऑलराउंडर दिखती है एलिस कैप्स थी, सामने पे एश गार्डनर है। एक तरफ आपको यहाँ पे पेस ऑलराउंडर दिखती है एनाबेल सदरलैंड, सामने आप होंगी मर्जन कैप। एक तरफ आपको यहाँ पे स्विंग मास्टर दिखती है शिखा पांडे, सामने किम गार्थ होंगी। तो बहुत बढ़िया आपको मैच देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर पर हर प्लेयर के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो इस टूर्नामेंट के अंदर टोटल 5 टीम्स कंपीट कर रही है और टॉप 3 टीम यहाँ पे क्वालिफाई करती है। हर एक टीम ने 8 मैचेस खेलने हैं। अब देखो यहाँ पर जो टीम आरसीबी, उसका भाई वही हाल है, 4 मैच खेले, 4 हारे हैं। पिछला मैच तो भाई साहब 10 विकेट से हार गए यूपी से। अब देखो यहाँ पर जो टीम है दिल्ली कैपिटल्स, जिसका मैच है 3 मैच खेले, 2 जीता है, 1 हारा है, पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे स्थान के ऊपर है, 4 पॉइंट्स है, नेट रन रेट इनका बढ़िया है यूपी से, इसलिए थोड़ा सा ऊपर है, वरना यूपी और दिल्ली ने बराबर मैचेस खेले, सेम पॉइंट्स है। गुजरात जायंट्स की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर 4th पोजिशन के ऊपर है, 2nd लास्ट है ये पॉइंट टेबल के ऊपर, 3 मैच खेला है, 1 जीता है, 2 हारा है और इनका नेट रन रेट माइनस के अंदर 2.33 है। तो दिल्ली कैपिटल्स फिर से यहाँ पे थोड़ी सी फेवरेट है। गुजरात जायंट्स भी यहाँ पे एक अच्छी टीम है, अगर ये प्रेशर के अंदर परफॉर्मेंस दे दे तो यहाँ पे अच्छा गेम दिखा सकते हैं। आपको पता ही होगा बेत मुनी पूरे वुमेन्स प्रीमियर लीग से बाहर हो चुकी है, जो उनकी कैप्टन थी गुजरात जायंट्स की, उनको रिप्लेस कर रही है लॉरा वॉलवॉट, कप्तानी तो स्नेह राणा ही करेंगी यहाँ पे। चलते हैं फिर किसकी तरफ, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, उसका फायदा क्या है। टेलीग्राम के ऊपर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, यूट्यूब के ऊपर अपडेट देना मुश्किल होता है, तो कहाँ पे अपडेट दूंगा मैं, टेलीग्राम पे दूंगा। जुड़ना कैसा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एक फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आप देखो डीवाई पाटिल पे लास्ट मैच कब हुआ था भाई साहब, 9 मार्च को हुआ था, परसों के दिन। किसका मैच था, दिल्ली और मुंबई का मैच था यहाँ पर। तो उस मैच में 4 विकेट पेसर ने निकाला था और 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर्स के नाम थे। यहाँ पे आपके लिए देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ आपके लिए। और जो पिच रहती है भाई साहब डीवाई पाटिल की, बहुत बढ़िया पिच है, रन्स बनते हैं प्रति ओवर यहाँ पे 9 के आसपास रन्स बनते हैं। आप खुद देखो जो पिछला मैच था वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहा, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, क्योंकि मुंबई की टीम भाई इस टूर्नामेंट के अंदर क्या ही खेल रही है, अलग ही लेवल की टीम है। तो आप देखो दिल्ली पहले बैटिंग करने आती है लास्ट मैच में, 105 बनाती है 10 विकेट गवा के, फिर मुंबई आती है 15 ओवर हो जाते हैं, 5 ओवर रहते हैं टारगेट चेस हो जाता है 2 विकेट गवा के। उससे पिछले मैच में 211 बना 4 विकेट गवा के, फिर जो टीम चेस करने आती है 169 बना पाती है 5 विकेट गवा के। उससे प्रीवियस गेम में 170 का टारगेट दिया, वो चेस हो गया 1 बॉल रहते 207 बना। ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का पहला मैच था गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस का, तो उसके अंदर फिर गुजरात जायंट्स 64 पे सिमट गए। इसका मतलब क्या है भाई, रन्स बनते हैं स्वेनी के ऊपर। दिल्ली कैपिटल से स्वेनी पे 2 मैच के लिए 1 जीती 1 हारी है, गुजरात जायंट्स यहाँ पे 2 मैच के लिए दोनों हारी है। क्या ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, जो टीम पहले बैटिंग करी है 2 मैचेस जीती है, जो टीम चेस करी है 4 मैच जीती है पिछले 6 मैचेस के अंदर। यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी आ रहा है, इसी वजह से टीम्स यहाँ पे टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करती है और फिर टारगेट को चेस करती है, जब बॉल गिप करना बहुत मतलब सेकंड इनिंग्स के अंदर बॉल ग्रिप करने में दिक्कत होती है, बॉल गीली सी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको पिच के फोटोज दिखाना चाहूंगा, या आप देखो पिच के ऊपर जो लास्ट मैचेस हुए थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रास थी। बाउंड्री डायमेंशन, सामने की बाउंड्री 66 मीटर से, स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे 57 एंड 53 मीटर होती है। चलते हैं फिर यहाँ पे और भी मेरे पास पिच की फोटोज, आप देख सकते हो डीवाई पाटिल स्टेडियम नीचे लिखा हुआ है, डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच थोड़ी सी स्लो एज कम्पेयर टू ब्रेबॉर्न। ब्रेबॉर्न पर सबसे ज्यादा कुटाई होती है फिर यहाँ पे डीवाई पाटिल के ऊपर। बैटर्स का स्ट्राइक रेट है टाटा आईपीएल 2022 का, ये बॉलर्स की इकोनॉमी है। स्पिनर्स यहाँ पर अच्छा डालते हैं, आप देखो इकोनॉमी डीवाई पाटिल के ऊपर अच्छी रहती है स्पिनर्स की। फिर यहाँ पर जो स्पिनर्स विकेटों को टारगेट करते हैं, विकेट टू विकेट डालते हैं, उनको बहुत मदद मिलती है। मैं पहले मैच से बात कर रहा था, शाय का शाद विकेटों को टारगेट करती है, दूसरे मैच में भी वही काम किया, तीसरे में भी वही किया। तो जो स्पिनर्स विकेटों को टारगेट करते हैं वो किसी भी वेन्यू से सफल हो जाते हैं, कोई भी वेन्यू पर खिला लो उनको। रन्स पर ओवर डेथ ओवर के अंदर डीवाई पाटिल पर इतनी धुलाई नहीं होती जितनी ब्रेबॉर्न पे होती है, पर सही कहूँ मैं दोनों पे धुलाई होती है यार, बहुत मारते हैं बैटर्स। ये देखो आप स्टेडियम का पूरा व्यू। चलते हैं विकेट कॉलम की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लास्ट 6 मैचेस के अंदर जो पेसर्स हैं 25 विकेट निकाल चुके हैं। पेसर्स मतलब तेज गेंदबाज, पहली पारी में 8 और दूसरी पारी के अंदर 17 है। राइट आर्म पेसर्स का 23 है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 2 विकेट है। अब बात करते हैं स्पिनर्स की, तो लास्ट 6 मैच के अंदर स्पिनर्स ने 31 विकेट निकाला, पेसर्स आगे निकल चुके हैं। अब मैं थोड़ा साइड होता हूँ, अच्छे से देखिएगा आपको
पहली पारी के अंदर स्पिनर्स का 19 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 12 विकेट है, ऑफ स्पिनर्स का 11, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 15, लेग स्पिनर्स का 5 विकेट है। चलते हैं यहाँ पे टीम न्यूज की तरफ, तो एक ही न्यूज है, लॉरा वॉलवर्ट इज रिप्लेसिंग बेथ मूनी। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जो अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर है दिल्ली कैपिटल्स की जो 11 है वो क्या है। शेफाली वर्मा मैकलेनिंग ओपन करेंगी मर्जन कैप के साथ, फिर जमेमा आएंगी, फिर आपको दिखेंगे लेस कैप्स ने जैसन हसन, तानिया भाटिया, शिखा पांडे, अरुण दत्तर रेड्डी, तारा नौरी, श्रद्धा यादव। पिछले मैच में रेड्डी को नहीं खिलाया था, रेड्डी के बदले मीनू मनी खेल रही थी, इस मैच में भी हाई चांसेस वो खेले। गुजरात जायंट्स मेघना ओपन करेंगी डंगली के साथ, हलेद दियोल, एश गार्डनर, एनबल सदलन, सुषमा वर्मा, डी हेमलता, किम गार्ड, स्नेहा राणा, तनुजा खनावर, मानसी जोशी आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगी। एक चीज क्या हो सकता है, टीम लॉरा वॉलवर्ट को खिला सकती है सोफिया डंकली के बदले, या फिर एनबल सदलन को बाहर कर सकती है, पर लग नहीं रहा क्योंकि फिर आपको अगर लॉरा वॉलवर्ट को खिलाना है तो आपको मेघना को बाहर करना पड़ेगा और उनको ओपन कराना पड़ेगा, और एनबल सदलन के बदले कोई नॉर्मल प्लेयर आपको लेके आना पड़ेगा इंडियन, तो बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर के अंदर मतलब अलग ही चीज़ें क्रिएट कर देगा, स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी फिर टीम में। अब बात करते हैं टीम्स कैसा खेलती है पावर प्ले के अंदर, एक से लेकर 6 ओवर तक पावर प्ले होता है, तो उसके अंदर देखो जो टीम है गुजरात जायंट्स 3 मैचेस खेल चुकी है, 124 रन से 108 बॉल के अंदर 115 का स्ट्राइक रेट है, 7 विकेट गंवा चुकी है, पावर प्ले के अंदर औसत इनके 18 किया है। ये मैच किसके साथ है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ है, 69 की औसत है, ओपनर्स की बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों, बस वही बात है शेफाली वर्मा पिछले 2 मैच से फ्लॉप हो रही, उनके बारे में बात भी करी थी अपने डिटेल्स में क्यों फ्लॉप होगी और क्यों आपको टीम से छूट रहे हैं। 128 का स्ट्राइक रेट है दिल्ली कैपिटल्स का पावर प्ले के अंदर, 2 विकेट गंवाए, 69 की एवरेज है। मिडिल फेस की बात करते हैं, ओवर 7 से 15 में क्या हुआ है, दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज़्यादा विकेट थ्रो करती है, 3 मैचेस के अंदर 11 विकेट थ्रो कर चुकी है ओवर 7 से 15 के बीच मिडिल फेस के अंदर, और 21 का इनका यहाँ पे एवरेज है, 149 का स्ट्राइक रेट है, मतलब रन्स भी मारते हैं, रन्स मारने के चक्कर में विकेट गंवा देते हैं। सेकेंड बेस्ट टीम है मुंबई इंडियंस के बाद जो मिडिल फेस में रन्स बनाती है स्ट्राइक रेट से अच्छी। बात करते हैं गुजरात जायंट्स की, 3 मैच हो चुके हैं, 192 रन बनाए हैं 162 बॉल्स के अंदर, 8 विकेट थ्रो कर चुके हैं, 24 की औसत है, 118 का स्ट्राइक रेट है। डेथ फेस की बात करें तो आरसीबी सब में आगे दिखी है आपको, आरसीबी ने पावर प्ले में विकेट्स गंवाए हैं, फिर इस टीम ने मिडिल फेस में भी गंवाए हैं, डेथ में भी गंवाए, इसलिए मैंने बात करी थी पिछले मैच में। डेथ फेस के अंदर आएगी एक्लिस्टोन दीप्ति शर्मा, भाई कैप्टन वाइस कैप्टन कर दो, मैं ग्रैंडली की वीडियो लाऊंगा उसमें आप देखना, आपको समझिएगा मैंने क्या किया था वहाँ पे। आरसीबी गुजरात जायंट्स ने 3 मैच में 7 विकेट गंवाया डेथ के अंदर, 14 का स्ट्राइक एवरेज है इनका। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं तो 3 मैच के अंदर 3 विकेट गंवाया, तो ये अच्छा खेलती है डेथ के अंदर, तो आप वो डेथ बॉलर्स लो दिल्ली कैपिटल्स के जो गुजरात जायंट्स के बैटर्स को आउट कर सके, वैसे तो सभी कर देंगे। चलते हैं फिर किसकी तरफ, शेफाली वर्मा की तरफ, 4 मैच में 74 रन है हेड टू हेड के अंदर, बैट फर्स्ट 21, 17 2 चेस के ऊपर 34 है, नीचे फॉर्म लिखा हुआ है 2 रन 17 रन 84 9 24 8 28, तो बस वो एक पहले मैच के अंदर सीजन ओपनर के अंदर अच्छी नॉक आई थी, उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आए, उससे पहले भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थे। मैकलेनिंग की बात करते हैं, T20 स्टेट्स आप देख सकते हो, 277 मैचेस खेल रखे हैं इन्होंने, 8000 के ऊपर रन से 119 का स्ट्राइक रेट है और 39 की एवरेज है T20 के जर में। वेन्यू पर 2 मैच में 113 रन से 70 बैट फर्स्ट 43 भी बैट फर्स्ट है, तो देखते हैं कैसा प्रदर्शन देती है। मैकलेनिंग प्लेयर बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी प्लेयर है, ये कैप्टन है इस टीम की, ये सीजन में हर मैच में 40 प्लस किया, पहले मैच में 72, दूसरे में 70, तीसरे के अंदर 43। फिर आती है अरलिन दियोल, दूसरी टीम में होगी वन डाउन, इस टीम में नहीं है वो, मर्जन कैप आती है यहाँ से, 2 मैचेस के अंदर 18 रन से 1 विकेट है, बैट फर्स्ट 16 और 2 और चेस पे बैटिंग नहीं करी, फॉर्म भी इनका थोड़ा कंसर्न रहा, विकेट्स नहीं निकाल पा रही। जेमेमा रोड्रिगेस का 4 मैच में 63 रन से बैट फर्स्ट 0 34 नबाद 25 चेस के ऊपर 4 है, फॉर्म देख सकते हो अच्छा फॉर्म में चल रही है, अभी हर मैच में 20 के अंडर स्कोर कर रही है, हर बार 20 के ऊपर अबाउ 20। एलेक्स कैप्सी का 2 मैच में 27 रन 0 1 विकेट हो गए, इसको करेक्ट कर लेना, 1 विकेट है, लास्ट मैच में तो विकेट निकाला ही था याद हो तो आपको। बैट फर्स्ट 21 और 6 और पिछले मैच में 6 रन प्लस 1 विकेट था, इसी वैल्यू के ऊपर 21 रन 0 विकेट 2 विकेट, तो अच्छी ऑलराउंडर है, हमेशा कुछ ना कुछ टीम के लिए करती है, वैल्यू करती है। जैसन हसन ने इस वैल्यू के ऊपर 3 मैच में 3 विकेट निकाला, बल्ले से 44 रन है, तो बहुत बढ़िया प्लेयर है ये भी, ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की सबसे टॉप पिक है। बॉल फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉल सेकंड 2 मैच में 3 विकेट है, पिछले मैच में 2 रन प्लस 0 विकेट था, पर सेकंड लास्ट मैच के अंदर ड्रीम टीम की कैप्टन थी, 42 रन नाबाद प्लस 3 विकेट थे इसके, तो प्लेयर है दमदार, बस थोड़ा सा बैट फ्लो उनका अच्छा रहे और कंट्रोल में खेले तो बहुत अच्छी पारी भी खेल सकती है बल्ले से।
कहानी बांटेगा दो मैच में दो रन से वेन्यू कीपर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रहती है ये। शिखा पांडे की बात करें तो दो मैच में एक विकेटें हैं, और बात करते हैं फिर यहाँ पे किसकी कैसे विकेट्स निकाले, बॉल सेकंड करते हुए निकाले दो मैच में एक विकेट, एक बार विकेटलेस भी गई है। अरुण दत्ता रेड्डी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेयर टू अवॉइड में आएंगी। तारा मनोज का दो मैच में एक विकेट है, स्वर्णी के ऊपर बॉल सेकंड करते हुए पिछले मैच में बहुत अच्छा स्पेल था इनका, पर इनको पूरे ओवर दिए ही नहीं, आठ ओवर डाला एक ओवर में चार रन दिया एक विकेट निकाला तो भी इनको फिर से बॉलिंग नहीं कराई गई थी। राधा यादव ने सीजन में कुल मिला के चार ओवर डाले यार, इसको बॉलिंग ही नहीं मिल रही, तीन मैच हो चुके हैं चार ओवर डालना मतलब क्या बात होती है। फिर ये लॉरा एरिस के स्टैट्स दिए, सबके दिए वैसे मैंने, आप देख सकते हो पुणे में मिन्नू मणि के स्टैट्स दिए, पिछले मैच में स्वर्णी पे जीरो पे आउट हुई थी, डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छा है विद द बॉल एंड विद द बैट। फिर आती है यहाँ पर कौन स्टार्टिंग ओवर लेके, शिखा पांडे, मर्जने कैप, जयजनसन, डेथ के अंदर मर्जने कैप, शिखा पांडे, जयजनसन। पिछले मैच में किसने कौन सा ओवर डाला था, तो शिखा पांडे का दूसरा चौथा तेरहवा था, मर्जने कैप का पहला तीसरा पांचवा ग्यारहवा, जयजनसन का छठवा दसवा पंद्रहवा, अलायस कैप्सी का आठवा बारहवा चौदहवा, राधा का सातवा था, तारा नरेश का भाई साहब नौवा ओवर था सिर्फ। चलता है यहाँ पे जो टीम है गुजरात जायंट्स, तो यहाँ पे शबीना मेघना दो मैच के अंदर 24 रन कर चुकी है इस वेन्यू के ऊपर, और देखते हैं कैसा प्रदर्शन देती है इस मैच के अंदर। कुल मिला के 26 रन होगा, इसको करेक्ट कर लो 26 होगा, क्यों बैट फर्स्ट में 24 है चेस के ऊपर है तो 24 और दो कितना होता है 26 होता है। चलते हैं फिर यहाँ पे किसकी तरफ, ये है तो बहुत बढ़िया प्लेयर, मैंने इसको खेलते हुए देखा है T20 के अंदर, इसका बहुत अच्छा नाम है तो इसको बहुत जनता ड्रॉप भी करके चलती है, पर मैं कहूँगा कुछ प्लान्स में रखो आप इसको। फिर आपको दिखती है सोफिया डंकली, 96 मैचेस T20 में खेला है, 1400 रन है, वेन्यू के ऊपर एक मैच में 13 रन है, इनका जो डेब्यू था WPL का इसी वेन्यू के ऊपर हुआ था, और देखते हैं कैसा प्रदर्शन देती है, हाईली थ्रिलिंग प्लेयर है ये, बड़े बड़े शॉट्स मारती है, बेहतरीन प्लेयर है वैसे। फिर आती है यहाँ पे हरलिन दियोल, वेन्यू के ऊपर दो मैच में 46 रन है, बैट फर्स्ट करते हुए 46 बनाया था, चेस करते हुए यहाँ पे जीरो है, बहुत बढ़िया प्लेयर है ये, टेक्निकल साउंड बैटर है। वेन्यू के ऊपर चार मैच में दो विकेट है, बैट फर्स्ट 25, चेस के ऊपर जीरो है, बॉल फर्स्ट दो मैच में दो विकेट, बॉल सेकंड दो मैच में जीरो विकेट है, प्रॉपर ऑलराउंडर है जो हर मैच में कुछ ना कुछ करती है आके। एनाबेल सदरलैंड का चार मैच में तीन विकेट, 14 रन है वेन्यू के ऊपर। सुषमा वर्मा एक मैच के अंदर 9 रन है, और फिर आपको यहाँ पे दिखेगी दो मैचेस के अंदर DM लता ने 50 रन करे, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, 21 नाबाद बैट फर्स्ट 29 नाबाद चेस के ऊपर। पिछले मैच में तो उनको एनाबेल सदरलैंड से ऊपर भेजा गया था। किम गार्थ का एक मैच में 5 विकेट है, स्वेनी पे उन्होंने पंजा खोला था, तो देखते हैं इस मैच में क्या करती है बॉल सेकंड करते हुए। स्नेह रणा का दो मैच में दो विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर एक मैच में दो विकेट है, बॉल सेकंड एक मैच में जीरो विकेट है। तनुजा कनावर इन्होंने इस वेन्यू के ऊपर एक मैच खेला पर कोई योगदान नहीं था, उसमें जीरो विकेट था सिर्फ। मानसी जोशी का दो मैच में एक विकेट है, लॉरा वॉलवर्ट इस वेन्यू पे नहीं खेली है। T20 स्टैट देख लो, ये जो भी वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर उसमें हाइएस्ट रन गेटर थी ये। T20 के अंदर 139 मैच के अंदर 3000 रन से 113 का स्ट्राइक रेट, फॉर्म देखो बहुत अच्छे फॉर्म में थी, 61 रन 53 67 नाबाद 19 13 18। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक दो मैच में आने वाले सुफे डगली फ्लॉप होगी, फिर लॉरा वॉलवर्ट को टीम ले आएगी 11 के अंदर, ऐसे नहीं लाएगी क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 50 करी थी। जॉर्ज वरे सबके स्टैंड दिए यार, ये भी बहुत अच्छी बॉलर है। शबनम शाकिल पर इसको मौका शायद ही मिले, अंडर 19 खेल चुकी है ये। हरली गाला भी यार अच्छी प्लेयर है, इसको भी टीम नहीं खिला रही है, तो है इनके पास अच्छे प्लेयर्स। एस गार्डनर, किमगर, तनुजा कनवर यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर करती है। डेथर के अंदर गार्डनर, एनबल सजलन, स्टेन राणा, किमगर। पिछले मैच में किसने कौन सा ओवर डाला था, किमगार्थ का पहला तीसरा तेरहवा था, भाई साहब पूरा 20 ओवर हो गया और किमगार्थ को 3 ओवर दिए थे पिछले मैच में। गार्डनर चौथा छठवा सोलवा उन्नीसवा, तनुजा कनवर का दूसरा सातवा ग्यारहवा पंद्रहवा, एनबल सजलन का पांचवा नौवा सत्रहवा बीसवा, स्नेह राणा का आठवा दसवा चौदहवा अठारहवा, मानसी जोशी का बारहवा ओवर था। चलते हैं पे मैचअप्स की तरफ, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो मैचअप है सैफ अली वर्मा का एश गार्डनर के सामने, 41 बॉल के अंदर 52 रन है, 10 पारियों में 4 बार आउट किया हुआ है, 3 बार दूसरी पारी के अंदर। मैकलेनन की बात करते हैं, कोई खास मैचअप नहीं है इनका, बहुत तगड़ी प्लेयर है वैसे ये। अलाइस कैप्सी वर्सेस गार्डनर, 5 बॉल 2 रन, 2 बार आउट किया, दोनों बार दूसरी पारी के अंदर। शेयर राणा ने भी एक बार आउट किया है। लॉरा एरिस का आप देख सकते हैं, मौका नहीं मिल रही है 11 के अंदर, 11 बॉल में 18 रन देके 3 बार आउट किया हुआ है। सोफिया डंकली की बात करते हैं, तो इनका मैचअप बनता है किसके सामने, भाई साहब जो आप देख रहे हो यहाँ पे मर्सन कैप, 43 बॉल 43 रन, 2 बार आउट किया हुआ है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखो, जैमिक और इनका मैचअप मेरे से मिस हो गया था, तो जैमिक रोड्रिगेज का वही सोचू है, कोई तो प्लेयर मिस हो रहा है मेरे से।
जिमे में रोड्रिगीज का मैचअप यहाँ पर कोई खास नहीं है, मर्जन कैप का गार्डनर के सामने जरूर अच्छा मैचअप है, 13 बॉल 16 रन 2 बार आउट किया हुआ है। फिर यहाँ पर आती है हरलीन दयाल वर्सेस जैस जेनेसन, 3 बॉल 4 रन 1 बार आउट किया हुआ है। गार्डनर की बात करते हैं तो भाई साहब जैस जेनेसन ने 53 बॉल में 63 रन 2 बार आउट किया हुआ है। तो आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे स्मार्टेस्ट स्पिनर्स एश गार्डनर जैस जेनेसन इस मैच में अपना सामना करेंगे विद द बैट, मतलब समझ रहे हो दोनों का मैचअप अच्छा है। एश गार्डनर राइटी, जैस जेनेसन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, फिर वहां पर जैस जेनेसन लेफ्टी बैटर गार्डनर ऑफ स्पिनर, मतलब भाई साहब जोड़ी हिट है ये, सुपर हिट जोड़ी है। पुणे यादव ने 3 बार आउट किया पर पुणे यादव को 11 में जगह नहीं मिलेगी मोस्टली। एनाबेल सदरलैंड वर्सेस जैस जेनेसन 24 ओवर 28 रन 2 बार आउट किया हुआ है। अब बात करते हैं स्पिनर्स के सामने टीम कैसा खेली है। तो सबसे पहले गुजरात जायंट्स ऑफ स्पिन के सामने फंसती है, 3 पारियों के अंदर 6 विकेट गंवा चुकी है, 21 की इनकी एवरेज है, 150 रन का स्ट्राइक रेट है, 129 रन्स है 84 बॉल्स के अंदर। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स की बात करते हैं, दिल्ली यार अच्छा खेलती है लेफ्ट आर्म को थोड़ा सा कंपेयर टू अदर टीम्स, पर ये भी यार विकेट थ्रो करिए मैं देखूँ तो 132 रन्स है दम्बा बॉल के अंदर, स्ट्राइक रेट कम है एज कम्पेयर टू गुजरात, औसत इनका बस अच्छा है क्योंकि 1 विकेट कम थ्रो किया है, 5 विकेट थ्रो किए गुजरात ने, 6 विकेट थ्रो किए ऑफ स्पिन को। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स की बात करते हैं तो गुजरात जायंट्स फंस सकती है इस मैच में, स्पेशली जैस जेनेसन से बहुत हाई चांसेस है, क्यों 2 मैच हो चुके हैं, 99 का स्ट्राइक रेट है, मतलब रन या बॉल भी नहीं बन रहे, 67 बॉल में 66 रन से 6 बार आउट हो चुके हैं, 3 पारियों के अंदर 11 रन का औसत है। दिल्ली कैपिटल्स भी फंसती है, 5 बार आउट हो चुकी है दिल्ली कैपिटल्स लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने, दोनों टीम्स की वीकनेस है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, आप रजिस्टर कर सकते हो विजन 11 के ऊपर, यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फैंटेसी देखने को मिलती है, जैसे कि आपको सेकंड इनिंग्स फैंटेसी है और रिवर्स फैंटेसी, बॉलिंग फैंटेसी, इसके अंदर मल्टीपल ज्वाइनिंग कॉन्टेस्ट, आप एक क्लिक के ऊपर हजारों कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, डेली 50,000 रुपये का गिव अवे, आपको सीधा यहाँ पे 500 रुपये साइनअप बोनस मिल जाएगा, साइनअप कर लेना, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और ये आप देखें जो एंट्री फीस है ये भाई साहब आपकी आंखें खोल के रख देगी। यहाँ पर कॉमन कैप्टन एश गार्डनर मर्जन कैप, बड़ी लीग में बनाओ एलेक्स कैप्सी जैस जेनेसन को, और थोड़ा सा डिफरेंट रहना तो मैग्लेन सदरलैंड एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर मगर रही ये सीधी वाली बात है, तो अपना मिशन है 2023 तक 1 मिलियन क्रॉस करना, भाई साहब आपका सहयोग रहा तो जरूर प्रोग्राम तक, 2,30,000 सब्सक्राइबर्स हुए अभी तो बहुत लंबी राह है, यहाँ पे 7.5 लाख अभी अपने को और गेन करना है, तो देखते हैं यार मेरे को तो उम्मीद है पूरा होगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होप रखते हो तो वो चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो आप भी यहाँ पे एक इंटेंट दिखाएं अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा दें, अपनी वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, अपना मोबाइल ऐप है वेबसाइट है statsstudio.com से आप जाकर स्टैट्स चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कैप्टन एज यूजुअल गार्डनर आपको दिखेंगे, वाइस कैप्टन कैप्सी है मेरे पास, स्नेह राणा टीम में किम गार्थ, अगर आपको वीडियो छोटा दिख रहा है आप जूम करके देख सकते हो, आपको पता नहीं हो तो फीचर है यूट्यूब के ऊपर, आप जूम करके वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, मेरे को जूम मत करना भाई साहब, जो प्लेट्स उनको जूम करना। सुषमा वर्मा यहाँ पे, हरलीन दयाल, डंकली, मैगलिंग, डंकली के बदले आप किसी और प्लेयर को लेके जा सकते हो, यहाँ पे शेफली भी कोई खराब पिक नहीं है एज कम्पेयर टू डंकली, डंकली और शेफली वर्मा सेम टाइप ऑफ प्लेयर्स अटैक करके खेलते हैं, और शेफली ज़्यादा बेटर है डंकली से, मैं सही कहूँ तो टेक्निकल देखा जाए तो। एनाबेल सदरलैंड, स्नेह राणा, मर्जन कैप, जैस जेनेसन यहाँ पे मेरी टीम के अंदर है। अब देखिए क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो इस मैच के अंदर, तो सबसे पहले कीपिंग में चलता है, कीपिंग में भाई साहब आपका लक यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, मैं सुषमा वर्मा को लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर बैट करती है और गुजरात जैंट जल्दी यहाँ पे विकेट अपना थ्रो कर रही है, तो इसलिए मैं सुषमा वर्मा को ले रहा हूँ यहाँ पे, बेटमोनी तो मौजूद नहीं है, बैक लर्निंग इंपॉर्टेंट है, डंकली यहाँ पे एक अच्छी पिक रह सकती है, हिट एम एस टाइप प्लेयर है, सेम फॉर शेफली वर्मा, हरलीन दयाल एक कंसिस्टेंट बैटर है, जमेमा को भी आप ट्राई कर सकते हो, डीएम लता इस सीजन में अच्छा खेली है, एश मैगना को जनता ट्राई नहीं कर रही है भाई, 5 सिलेक्शन परसेंटेज है, ये आपको आराम से 40-50 पॉइंट देखे जा सकती है इसका दिन पे, अच्छी प्लेयर है वो। एश गार्डनर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैप से इंपॉर्टेंट है, कैप इंपॉर्टेंट है, किम गार्थ इंपॉर्टेंट है, सदरलैंड इंपॉर्टेंट है, स्नेह राणा का रोल देखते हैं, बॉल फर्स्ट में जरूर ले सकता है, बॉल सेकंड में दिक्कत होती है इनको बॉलिंग करने में क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आ जाता है और फॉर्म भी इनको कंसर्न है, जैस जेनेसन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बॉलिंग से आप किसी को ट्राई करना चाहते हो तो मैं एक दो प्लेयर्स का नाम लूंगा एक तो है तनुजा कनवर, ठीक है कनवर, इसको आप ट्राई कर सकते हो कुछ टीम्स के अंदर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, पिछले मैच में पूरे ओवर डाले थे और अच्छा डाले थे, कंट्रोल इनके पास, ग्रैंड लीग के अंदर रोटेट करना, 4 सिलेक्शन परसेंटेज है। शिखा पांडे, दिल्ली पहले गेंदबाजी करी, आपको दिल्ली की फेवर में टीम बनाने तो शिखा पांडे को ले सकते हो, सेम फॉर तारा नौरिश, अगर आप गुजरात का मिडिल ऑर्डर देखते हो उसमें बस एक दो प्लेयर्स अच्छे हैं, जैसे कि आप देखोगे उसके अंदर गार्डनर है,
एनिमल सदरलैंड का भी फॉर्म इतना खास नहीं, तो एक दो प्लेयर्स मुश्किल से इस टीम के अंदर है मिडिल ऑर्डर के अंदर, तो तारा नॉरिस फिर से वो आरसीबी वाला काम करके जा सकते हैं अगेंस्ट गुजरात जायंट्स। तो आप लॉजिकली सोच के देख रहे हैं एक बार, तो लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल नीचे दिया हुआ है, जुड़ जाना। और भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, घंटी बटन दबा दो चैनल पे नहीं हो तो, और कमेंट करो यहाँ पर कि गार्डनर इस मैच में कितने रन बनाएंगे। मैं देखना चाहूँगा आपका जो प्रिडिक्शन है कितना कैसा रहेगा, क्या यहाँ पर इस मैच के अंदर शेफाली वर्मा चलेगी, चलेगी तो क्यों चलेगी, क्या डंकली चलेगी, ये भी आपको बताना, मैं पढ़ना चाहूँगा। तो आप बताओ अपनी राय कि डंकली चल सकती है फिर आपको शेफाली वर्मा चलते हुए दिखेगी, किसको टीम मिले, तो देखते हैं स्टैट्स। लव यू गाइस, टेलीग्राम चैनल लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।